नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, निवेश करना चाहिए या नहीं, स्टॉक कैसा है, क्वालिटी कैसी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको मैं एक नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, जिसके यहाँ पर बेसिस के ऊपर आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो समय जाया ना करते हुए वीडियो को यहाँ पर शुरू करना चाहिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। अगर आप यहाँ पर देखें 17 सितंबर 2020 फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म FSL, इसका अगर आप प्राइस देखें, जो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर निकल के आ रहा है NSE के ऊपर, वो है 73.25 रुपया, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें कुछ दिन पहले ये स्टॉक बहुत नीचे हुआ करता था, लेकिन एक बहुत ज़्यादा उछाल आया जिसके चलते स्टॉक में यहाँ पर अगर आप देखें प्राइस आपको कहाँ से कहाँ पहुँचता हुआ दिखा है। इसका 52 एक लो की बात करें तो 20 रुपया, जब 20 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था तब कोई लेने वाला नहीं था स्टॉक को, लेकिन आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा यहाँ पर तेजी हुई जिसके चलते ये जो छोटे मंझोले कंपनियाँ हैं इनमें भी नई जान आ गई। तो क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है, मुझको क्या लगता है, मैं बस आपको यहाँ पर इतना ही बताऊँगा, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं क्या सोचता हूँ इस कंपनी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर वही बताऊँगा। तो पिछले 5 दिन के चार्ट के ऊपर देखें तो स्टॉक ने यहाँ पर आपको लगभग 14% का रिटर्न दे दिया है, 5 दिन में 14% का। एक महीने में बात कर तो एक महीने में क्या ही कहना है। यहां पर अगर आप देखें 17 सितंबर 2020 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर अगर आप पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो एक महीने के अंदर स्टॉक ने आपको लगभग 32% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 6 महीने की स्थिति देखें तो पैसा डबल तो हो चुका है लगभग, उससे भी ज्यादा। मतलब आज का जो यहां पर आईपीओ हुआ, मतलब जिसको कहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ, जो लिस्ट हुआ वो मतलब 130-135% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, वही रिटर्न यहां पर आपको 6 महीने में ये स्टॉक ने कमा कर दिया है, लगभग 135% रिटर्न। एक साल की बात करें तो एक साल में स्टॉक आपको लगभग 39% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, एक साल में 39% का रिटर्न। मार्केट कैप की बात करें तो 5000 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पर पी की बात करें तो 15 के PE मल्टीपल पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 5% के आसपास का डिविडेंड आपको यहाँ पर हर साल मिलेगा। कंपनी अच्छी है, मुझको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा बहुत आपको एक्सपेंसिव लग सकता है। लेकिन जो यहाँ पर सेबी की ओर से जो नई गाइडलाइंस आई है मल्टी कैप का जो फंड्स को लेकर, उनके चलते यहाँ पर अगर आप देखें तो उनका ये साफ साफ कहना है कि 25% पैसा जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक में लगना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले होता यही था कि आप लार्ज कैप में कितना भी लगा लीजिए, स्मॉल कैप में कितना लगा लीजिए, मिड कैप में कितना लगा लीजिए, कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं थी। लेकिन सेबी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको आपका जो फंड है उसका 25% पैसा जो मल्टीकैप फंड्स का है उसका पैसा जो है वो स्मॉल कैप कंपनियों में लगना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें तो मुझको जो लगता है ये कंपनी यहां पर जो कामकाज करती है वो आईटी से रिलेटेड है, छोटी आईटी कंपनी है, छोटी सी एक आईटी कंपनी है जो बहुत अच्छा बेहतरीन कामकाज कर रही है पिछले कई सालों से, लेकिन रिटर्न नहीं दे पा रहा था। यहां पर अगर आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है, प्रोमोटर का कोई हिस्सा यहां पर गिर भी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स ने भी पर लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखें तो जून क्वार्टर में यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो अच्छी कंपनी है। क्वालिटी में क्वालिटी को लेकर कोई यहां पर दिक्कत मुझको नहीं लग रही है, बाकी यहां पर प्राइस थोड़ा यहां पर आपको ज्यादा दिखता हुआ लगेगा, लेकिन 5 साल में देखें तो 5 साल में कंपनी आपको यहां पर लगभग 180% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, 5 साल में 180%। दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है स्टॉक लिस्ट हुआ था 2007 में, तब से लेकर अब तक 13 सालों में कंपनी अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव में नहीं आ पाई है। स्टॉक का जो यहाँ पर प्राइस है, स्टॉक का प्राइस वो अभी तक आपको पॉजिटिव में नहीं आता हुआ दिखेगा। स्टॉक बहुत बार यहाँ पर उठा पटक स्टॉक के अंदर हुई है, लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है, यहाँ पर आपको ये स्टॉक अभी भी लिस्टिंग प्राइस के नीचे आपको मिल रहा है। तो खरीदारी जो लोग करना चाहते हैं उनसे मैं यही करना चाहूँगा, वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको लास्ट में एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि किस तरह से आपको स्टॉक में करना चाहिए।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 17 सितंबर का प्राइस है वहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 13 सालों के अंदर अंदर लगभग लगभग स्टॉक ने अभी तक पॉजिटिव रिटर्न अभी तक नहीं दे पाया है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए आईटी कंपनी अगर भागने लगेगी तो मानकर चलिए जब कुछ दिन पहले यहाँ पर कोविड वगैरह कुछ नहीं आया था तब फार्मा जो स्टॉक्स थे वो अच्छी तरह से नहीं चल रहे थे, उसके बाद वो चलने लगे, उनका दौर यहाँ पर मतलब थोड़ा सा यहाँ पर वो लोग सुस्ती दिखा रहे हैं और आईटी चलने लगा है। आईटी का रबाव कितने दिन चलता है वो देखने वाली बात है, उसके बाद कौन सा सेक्टर चलेगा। मुझको जो लगता है अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहता है तो जो बैंकिंग स्टॉक है वहां पर बहुत ज्यादा रैली देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग में से मैंने मेरा पसंदीदा स्टॉक आपको यहां पर बता रहा हूं, HDFC बैंक के अलावा मुझको और कोई भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक पसंद नहीं है। मैं यहां पर इन्वेस्ट करने से आपको साफ साफ मना तो नहीं कहूंगा लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर पूछे तो मुझको सिर्फ एक ही बैंक पसंद है, वो है HDFC बैंक ऑफ इंडिया। और PSU बैंकिंग सेक्टर से मुझको SBI ठीक ठाक लगता है लेकिन अगर पसंद की बात करें तो HDFC बैंक ही पसंद है, तो वो सेक्टर चल सकता है। लेकिन IT की बात करें इसका रबऑफ अभी तक चल रहा है मार्केट में, तो ये कितने दिन चलते हैं ये देखने वाली बात है। बाकी कोविड के चलते एक चीज तो हम लोगों को समझ में आ गई है कि वर्क फ्रॉम होम अगर कभी करना पड़े तो IT सेक्टर की जरूरत डिमांड तो हमेशा रहेगी, और डिजिटल इंडिया डिजिटल होता जा रहा है तो यहाँ पर ये जो तमाम कंपनियां हैं इनकी डिमांड कभी भी आपको कम होती ही नहीं दिखेगी। ये जो कंपनी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये अगर आप देखें तो एंड टू एंड जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है, और बैंकिंग और फिनेंशियल से रिलेटेड कामकाज भी आईटी से जो आईटी यहाँ पर उनको जरूरत होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो बेहतरीन यहाँ पर इनका कामकाज है अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में ओरेकल भी कामकाज करती है, इन्फोसिस भी कामकाज करती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर 17 सितंबर 2020 की डेट में यहाँ पर अगर आप NSE के ऊपर कामकाज की स्थिति देखें तो लगभग 44,57,853 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, उनमें से लगभग लगभग 13,74,247 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाले तो लगभग लगभग 31% की डिलीवरेबल क्वांटिटी यहां पर आपको देखती हुई नजर आएगी, तो अच्छी खासी डिलीवरी मैं इस स्मॉल कैप के लिए मानूंगा क्योंकि ये अगर आप देखें तो लोग यहां पर भरोसा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदारी अगर आप करना है चाहते हैं, अगर जिनके पास भी यहाँ पर खरीदारी आपने करके रखी है 20 रुपये के आसपास जिनकी बाइंग प्राइस है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए और अपने हिसाब से एक सूटेबल स्टॉप लॉस का यहाँ पर प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये जो छोटी कंपनी है ये कब आपको यहाँ पर नीचे आती हुई देखिए कोई नहीं कह सकता, बढ़ता जैसे ये बढ़ते हैं ऐसे ये गिरने में भी एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बने रहें, खरीदारी करना चाहते हैं उनको मैं यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर बने हैं यहाँ पर अभी तक स्टॉक में इन्वेस्टेड है स्टे इन्वेस्टेड है उनको मैं कहना चाहूँगा सर अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत पर्सनली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं जिनका बाइंग प्राइस 20 से 30 रुपए के आसपास है। बाकी जो लोग यहाँ पर उससे बाद यहाँ पर एंटर कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। स्टॉप लॉस मतलब आप कितना प्रॉफिट कम से कम अपने लिए रखना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर दिक्कत जो है एक ही दिक्कत है, कंपनी के ऊपर कर्जा लगभग 843 करोड़ का कर्जा। लेकिन मानकर चलिए 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास अगर 850 करोड़ का कर्जा होगा तो वो बहुत ही दिक्कत वाली बात है मुझको जो लगती है। बाकी अभी ये अपट्रेंड में है, कहां तक भागा जाए कोई नहीं कह सकता, अपने ऑल टाइम हाई को छू ले ये भी कोई नहीं कह सकता। अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन का स्टॉक कुछ यहाँ पर मुझको समझ में नहीं आता, स्टॉक भागता ही जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है मुझको पता नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से उसमें यहाँ पर आप डिसीजन लीजिएगा, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाकर रखा है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था। तो कर्जा जो है 843 करोड़ का कर्जा है मार्च 2020 तक, जो कर्जा मार्च 2019 में कितना था 556 करोड़ का, लगभग कर्जे में भी देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखेगी, तो ये एक दिक्कत वाली बात है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लगभग 51% का ग्रोथ आपको कर्जे में देखने को मिलेगा, तो कर्जा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ पर देखने वाली बात है। बाकी कंपनी मुझको ठीक ठाक लगती है, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है लेकिन कर्जा है ये आपको देखने वाली बात है। और स्ट्रेटजी आपको कैसी होनी चाहिए, देखिए मैं किसी भी छोटे कंपनी में निवेश करने से पहले मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि आपको क्या करना है, आईटी में से आप उस फील्ड का कोई एक दिग्गज को चुनिए, आईटी के मतलब किसी भी सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हैं उस सेक्टर के एक दिग्गज को आपको पहले चुनना होगा। आईटी की बात करें तो TCS और इन्फोसिस ये इस सेक्टर के दिग्गज है, और विप्रो भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन्फोसिस का नाम ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब इन्फोसिस मुझको पर्सनली ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर इन्फोसिस का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ।
अगर आप इन्फोसिस के प्राइस को देखें तो 1011 रुपए का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप की बात करें 4,30,000 करोड़ का मार्केट कैप। पी की बात करें 25 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको दिखेगा। 21% का रिटर्न आपको एक साल में स्टॉक ने बनाकर दिया है। अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपया लगाना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड में 10,000 रुपया मतलब आप निवेश करना चाहते हैं, तो वो 10,000 रुपया आपको कैसे लगाना है? आपको 10,000 रुपया पूरा यहाँ पर फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यानी कि FSL में नहीं लगाना है। आपको कैसे लगाना है, एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपया अगर आप लगाना चाहते हैं तो 7,000 रुपया कम से कम आपको इन्फोसिस में लगाना होगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर किसी लार्ज कैप आईटी का नाम यहाँ पर आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर ए सेफर साइट मैंने यहाँ पर इन्फोसिस का नाम लिया। तो 10,000 रुपया अगर आप इस छोटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो 7,000 रुपया आपका इन्फोसिस, TCS या विप्रो में लगा हुआ होना चाहिए और 3,000 रुपया आप FSL में लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया अगर आप लगाना चाहते हैं तो 70 रुपया आपके लार्ज कैप आईटी में होना चाहिए, 30 रुपया आप FSL में लगा सकते हैं। ये रेशियो होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, तब जाके जो आपका रिटर्न है वो रिटर्न आपका मतलब अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना मुझको लगती है। मतलब स्मॉल कैप को प्ले करना चाहिए लेकिन दिग्गज का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, स्मॉल कैप को प्ले करना चाहिए लेकिन दिग्गज का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो लाइन है याद करके रखिएगा, फ्यूचर में काम में आएगा, ठीक है। तो यही कुछ तमाम चीज़ें आपको कहना चाहता था मैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर खरीदारी करना है तो कैसे करना है, और एक बार में ये पैसा पूरा नहीं लगाना है। स्टॉक अगर भागता है तो भागने दीजिए, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन लॉस भी कम होने की संभावना रहती है। SIP मोड में ही खरीदारी कीजिए, SIP मोड में ही खरीदारी कीजिए। दो बार मैंने इसलिए कहा कि आप समझ पाए। तो यही कुछ तमाम चीज़ें आपको कहने की ज़रूरत थी। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन रेशियो यही होना चाहिए। 10,000 लगाना चाहते हैं तो 7,000 बड़ी दिग्गज कंपनी में उस फील्ड की, 3,000 स्मॉल कैप में। ये रेशियो फॉलो करेंगे तो मतलब आप डूब नहीं जाएंगे, ये मतलब मैं कह सकता हूँ आप डूब नहीं जाएंगे, आपकी रात की नींद यहाँ पर मतलब जो है वो खराब नहीं होगी, चैन से रह पाएंगे, सुकून से रह पाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। यही कुछ तमाम चीज़ें थी जो आपको समझाने की कोशिश करता। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख के क्या लगा वो आप सब्सक्राइबर अगर होना चाहते तो जरूर हो जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।